नमस्कार, आंकड़ा पंचनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में अनुमान था कि शायद उतार चढ़ाव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई पड़े, और वो हुआ भी। आज शुरुआती तेज़ी जो मार्केट ने आज शुरुआत फ्लैट की थी और वही लेवल उसका टॉप बना, और वहीं से भारतीय बाजारों में बिकवाली आई, स्पेशली इंडेक्स के अंदर। फिर पूरे दिन एक दायरे के अंदर कामकाज होता रहा, और ये अनुमान भी था कि सेकंड हाफ के अंदर शायद थोड़ी रिकवरी आए, और स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि आज दोपहर में हम जिन जानकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने ये बात साफ की थी कि मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है, और जो रिकवरी हो सकती है आते हुए दिखाई पड़े बाजारों में वो निफ्टी बैंक के अंदर ही आएगी। हमने हिमांशु से बात की थी, हिमांशु गुप्ता से, और उन्होंने भी ये बात सही की, साफ की थी कि मार्केट में बिकवाली जो रिकवरी है वो रिकवरी निफ्टी बैंक में होगी, और निफ्टी बैंक के जो उनके टारगेट्स थे वो इंट्राडे में अचीव होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात साफ की कि मार्केट में मेजर मूव जो रहेगा वो मेजर मूव आता दिखाई पड़ेगा हैवी वेट बैंक्स के अंदर, जिसमें एक अच्छा मूव था एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में, इंडसइंड बैंक में, या फिर कोटक, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो कोटक ही आता है, आईसीआईसीआई बैंक से नाम आ रहे थे। प्लस एक अच्छा ट्रिगर मिल गया पीएसयू बैंकिंग के नंबर से, आईडीबीआई बैंक के नंबर अच्छे आए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर अच्छे आए, तो बाजार ने एक अच्छा ट्रिगर ले लिया कि पीएसयू बास्केट में भी नंबर्स अच्छे आएंगे, तो पूरे बैंकिंग है पूरे पीएसयू बास्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छी तेज़ी बैंक्स में, और आज क्लियर कट परफॉर्मर भी वही रहा, 1.5% के आसपास की तेज़ी निफ्टी बैंक में रही, जबकि पूरा इंडेक्स आज फ्लैट रहा। इंडिविजुअल अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर डालेंगे तो वहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क था नहीं, प्रेशर था मेटल में, तेज़ प्रेशर था, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सब वो नाम थे जो कि बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहे थे। दूसरी तरफ आज प्रेशर था पेंट्स में, एशियन पेंट के नंबर आए, 5% के आसपास से टूटा। इसके साथ साथ बर्जर पेंट्स, कंसान एरोलैक या बाकी जो पेंट कंपनीज हैं वहाँ पर भी प्रेशर आता दिखाई पड़ा। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज आज सुबह से ही प्रेशर के अंदर था, 2% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा आज सेकेंड हाफ तक आते आते जो थोड़ा प्रेशर था वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले स्टॉक्स के अंदर भी आया। TCS आज फिर टूटा, यानी IT पूरा स्पेस आज टूटा था, TCS में भी 2% की गिरावट थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ली कि एक तरफ पूरा हैवी वेट्स का सिलसिला, हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस, TCS, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां, हिंडाल्को, मेटल में टाटा स्टील, एक तरफ से वो प्रेशर मार्केट में दे रही थी, और दूसरी तरफ जो था वो गेन आ रहा था बैंकिंग स्पेस की तरफ से, जो कि बाजार को एक तरफा तेज़ी की तरफ सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन अर्निंग्स, और अर्निंग्स बहुत सारी अच्छी भी आई बुरी भी आई, एशियन पेंट की अर्निंग कमज़ोर थी, कल जुबिलेंट फूड की अर्निंग कमज़ोर थी, आज CG पावर की अर्निंग अच्छी थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अर्निंग अच्छी थी, IDBI की अर्निंग अच्छी थी, तो ओवरऑल एक मिला जुला सा रुझान बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल अमित जी का है, और अरबिंदो फार्मा और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। अमित जी, पहले तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कंपनी तो बुरी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, मैं आज ही अभी कुछ देर पहले इसके नंबर देख रहा था IPO से, अब तक किस तरह भागा है शेयर, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो जुबिलेंट इंग्रेविया के नंबर आए हैं उससे कंसर्न उठा है मार्केट में, इसलिए उसको तोड़ भी रहे हैं, थोड़ा टूटेगा भी और अच्छा भी है। अगर ये टूट रहा है और नीचे मिल रहा है तो आप ज़रूर उस पर खरीदारी कर सकते हैं। ईयरली जो EPS है वो बहुत अच्छी आने का अनुमान था, अगर वो थोड़ा डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज भी होता है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप इसे अच्छी एज अ जो भी फॉल है उसे एक अप्रिशिएबल वे में आप इसे लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करिए। और अरबिंदो फार्मा ऑब्वियस सी बात है थोड़ा फार्मास्यूटिकल में प्रेशर ज़रूर है पूरे ही फार्मा में, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, नज़रिया दोनों में लंबी अवधि का रहेगा, और आप लोअर लेवल पर खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और 5 मिनट के अंदर बहुत सारे सवाल भी आ गए हैं। IEX के रिजल्ट प्रसन्नता साहब अभी तक आए नहीं हैं, हम अवेट कर रहे हैं उसका, और उसमें रिजल्ट्स तो अच्छे आने का अनुमान है, साथ साथ बोनस भी आने का अनुमान है, जो अभी तक रेशियो पता नहीं कितना है, तो वो बोनस का रेशियो क्या रहता है और अर्निंग क्या रहती है, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। अच्छा, IDBI 400 शेयर 40 रुपये के दाम पर लॉन्ग टर्म। संजय जी, नंबर्स तो ठीक है, IDBI के इस क्वार्टर के जो नंबर आ जाए थे बढ़िया नंबर देखने को मिले, तो नंबर्स के बाद रिएक्शन तो अच्छा था, कितने हद तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है कहना मुश्किल है, उसमें हमेशा ओवर हैंग है बिकने का, वो किसको बिकेगा, कौन खरीदेगा, कैसी बुक्स होंगी, कैसे रूपरेखा बनेगी, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत क्लोजली लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट वॉच करेगा। तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं अभी आपके पास, इन्हीं लेवल के आसपास है जहाँ पर आप हैं, लंबी अवधि का आप पर नज़र लिया तो बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इवेंट और नंबर ये दो चीज़ों को आप क्लोजली वॉच करिएगा, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और शुभजीत बैनर्जी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन, और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय कुमार, इंफ्रा कहाँ तक गिरेगा, उनका प्राइस 195 का, और मुकुल अग्रवाल सर को फॉलो करके स्टॉक लिया है। बैनर्जी साहब, बहुत सीधा सा जवाब,
पहला मुकुल अग्रवाल साहब को ही आप फॉलो करिए, क्योंकि आप एक को फॉलो करते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे शेयर लेते हैं और फिर आप दूसरे से उसकी राय लेते हैं, वो गलत है। तो आप उनको ही फॉलो करिए, जो उनका थीम है, जो उन्होंने सोचा था, जिस बेसिस पे उन्होंने इसमें राय दी है खरीदारी की, वो बेसिस को जानने की कोशिश करिए और कितने समय के लिए दिया वो समझने की कोशिश करिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति बनाइए। कंपनी इन टोटल मीडियम टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए ठीक है, आप उसके हिसाब से कॉल लेंगे। लेकिन फिर भी आप जिन्होंने आपको राय दी है आप उसको ही फॉलो करें, सबसे बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और नवीन फ्लोरीन और मास्टेक, बाय टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म। सर नवीन फ्लोरीन भी चला तो बहुत और नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, नहीं फायर वर्क तो नहीं है वह नंबर्स में, और मास्टेक के केस में भी नंबर्स बहुत फायर वर्क नहीं है, तो दोनों को थोड़ा और ईज आउट होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। लेकिन इस समय आपको अगर कुछ बढ़िया ऐड करना है तो तीन बड़े नाम आपको मैं साफ बोल सकता हूँ, पहला एशियन पेंट्स, दूसरा HUL और तीसरा TCS। ये तीनों के ख़राब नंबर आए क्वार्टर के, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो HUL हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी भी TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, HUL देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, और चौथी या पाँचवीं माफ कीजिए, वो एक आध दो ऊपर नीचे होता रहता है। और एशियन पेंट ऑब्वियसली बात है मोनोपोली ओन करता है, 42% मार्केट शेयर आज भी ओन कर रहा है, तो एक क्वार्टर दो क्वार्टर प्रेशर रहेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे आएगा और अच्छी बात है। धीरे 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 ऐड करते रहिए, पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और होल्ड करिए। बेस्ट स्टॉक बढ़िया दाम पे मिल जाए, सच्चा वो क्या चाहिए, और वो दाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप उनको तलाशिए, सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और यस बैंक, हाँ सर, ये आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर व्यू दिए रहे थे अपना, 17 रुपये टेक्निकल टारगेट बता रहे हैं नियर टर्म में, बट हैविंग सेड दैट नंबर्स को ज़रा ध्यान रखिए, नंबर सिचुएशन चेंज नहीं होगी तब तक लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा, मीडियम टर्म के लिए आप इसे अभी 17 रुपये के टारगेट्स के लिए एटलीस्ट देख सकते हैं, टेक्निकल टारगेट है तो कोई बहुत वो नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट हैं। टाटा एलेक्सी करंट सिनेरियो, एनी व्यू ऑन कंसाय? कौशिक साहब, कंसाय नैरोलैक थर्ड लार्जेस्ट शायद पेंट कंपनी है, बर्जर के बाद आती है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, शायद 14-15% के आसपास मार्केट शेयर है, तीसरे नंबर आदान पर है, तो बेटर दो लीडर हैं उनको ही पकड़िए, एशियन बर्जर दोनों। और रही बात आपका जो दूसरा सवाल था कि टाटा एलेक्सी में थोड़ा थोड़ा एंटर करिए, ऐसा नहीं कि ख़राब है, दाम का तो किसी को नहीं पता कहाँ तक आ सकता है, तो बेटर यही कि अगर आप लेना चाह रहे हैं अच्छी कंपनी को और दाम आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी ले लीजिए, वेट करिए, और झटका है थोड़ा और झटका है थोड़ा और झटका है थोड़ा, नहीं आ तो वहीं रुक जाएं, ऊपर जाए रुक जाएं, ऐसे करके रणनीति बनाइए। बेस्ट है, अच्छा स्टॉक मिलेगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा, डिविडेंड भी मिलेगा उसमें, बात अलग है। अच्छा, बॉब बाइंग 91 100, अभी करूं क्या? सर अल्पेश जी, बॉब के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर बुक वैल्यू से तो नीचे 150 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू, उसके नीचे शेयर कामकाज कर रहा है, और आज ही एक जानकार ने इसमें खरीदारी की राय दी थी 110 रुपये के टारगेट के लिए, शायद आशीष चतुर्मोहता ने खरीदारी की राय दी थी 90 रुपये के आसपास, 110 का टारगेट वो दे रहे हैं, खरीदारी आप कर सकते हैं, वैल्यू है इसमें और बढ़िया मूव की उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपका नज़रिया आप ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली आपको उसमें कॉल लेनी होगी। इतने सारे सवाल आ रहे हैं, मिस हुए जा रहे हैं। सुनीता जी का सवाल है, इज़ इट राइट टाइम टू एंटर HUL एंड एशियन पेंट? ज़रूर सुनीता जी, अगर आपका पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए है, अगर आप क्वालिटी कंपनी के साथ रहना चाहती हैं, और अगर आपको मतलब बेचने में कोई दिक्कत नहीं है लंबी अवधि तक, होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़रूर एंटर कर सकती हैं इस दाम पर। HUL, TCS, एशियन पेंट तीनों ही अच्छे विकल्प हैं, तीनों में आप दाम लगा पैसा लगा सकती हैं और धीरे 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 ऐड करिए, देश के लीडर्स ही हैं, अगर देश ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो आप उसके हिसाब से ना देखिए। सो फार छोटे मोटे कंसर्न नहीं, क्रूड के दाम बढ़ गए या वॉल्यूम ग्रोथ स्लो आ गई या TCS के मार्जिन स्लो आ गए, तो आज नहीं तो कल वो कंसर्न को ईज आउट खुद ही वो कंपनियां कर लेंगी, दे नो इट वेरी वेल कि कैसे उसे मिटिगेट करना है, तो आप उसके हिसाब से पैसा डाल सकती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। SRF नहीं, अनिल जी का सवाल है, सुमित जी क्या करें, खरीदें या रिवर्सल का वेट करें? सर रिवर्सल तो किसी को नहीं पता कहाँ आएगा, और दूसरी चीज़ बढ़िया स्टॉक अगर नीचे मिले तो उसमें लेने में कोई परेशानी भी नहीं है, आप आराम से खरीदारी भी कर सकते हैं। और रही बात SRF की, SRF एडजस्ट हुआ है तो अभी थोड़ा हैंगओवर रहेगा, जो लोगों ने स्प्लिट से पहले लिया था और स्प्लिट के बाद निकलना चाह रहे हैं तो उनका हैंगओवर रहेगा, तो हैंगओवर निकल जाने दीजिए, थोड़ा लाइमलाइट से बाहर हो जाने जाइए, फिर आप इसमें एंटर कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेक्सटाइल किंग, टेक्निकल टेक्सटाइल किंग होता है, तो थोड़ा समय दीजिए और लोअर लेवल पर ऐड करिए, वो ज़्यादा बेहतर, लेकिन यहाँ नहीं,
एडजस्ट हो जाने दिए, ईज आउट होने दिए, उसके बाद करिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर और एप्पल इंडिया, रॉकी साहब, टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, झटका दे रहा है जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते रहिए। एप्पल इंडिया को अवॉइड करिए, कि बढ़िया तेज़ी दिखाई है, उसके बाद स्प्लिट हुआ, एडजस्ट हुआ, उसके बाद फिर चला है, तो नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, टाटा पावर इज़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो। अच्छा जी, यशो इंडस्ट्रीज़, सर मैं सुबिन साहब इसके बारे में नहीं जानता, मतलब BSE 500 में मैंने इसका नाम नहीं सुना, BSE 1000 में इसका नाम नहीं सुना, तो इसके बारे में शायद कम ही जानता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं इसके बारे में सवाल पूछने का। अवॉइड करिए, बहुत अच्छे अच्छे शेयर बहुत अच्छे अच्छे दाम पर अवेलेबल हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं इधर उधर के शेयर ढूंढ कर। क्लास कंपनी आपको सामने दिख रही हैं और आप मास कंपनियों की तरफ जा रहे हैं, तो अपना ही खुद ही डिसाइड कर लिया वो किस तरह का पैसा लगाना, किस तरह का पैसा बनाना, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना, अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। अच्छा जी, इन्फोसिस बाय कर सकते हैं, सर इन्फोसिस से बेटर आप मयंक जी TCS पे चले जाइए, क्योंकि इन्फोसिस ऑलरेडी चल रहा है और 1900 की रेंज में पहुंच रहा है, नया हाई बना रहा है, 9 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार कर रहा है, और TCS नीचे है, तो इन्फोसिस तेज है, TCS नीचे, तो कुछ समय बाद वैल्यू कम हो जाएगी, TCS में लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे, ऐसा तो है नहीं इन्फोसिस महंगा हो जाएगा फिर TCS सस्ता होगा, तो सस्ते महंगे में जो सस्ता है उस पर जाइए, तो TCS फिलहाल सस्ता है, उसको आप देख सकते हैं। IT में ढूंढ लीजिए जो हाल फिलहाल में नहीं चले हैं, उनको तलाश लीजिए, उनमें आप पैसा डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्रासिम की वजह से एशियन पेंट्स पर असर होगा क्या? सर ग्रासिम अपनी नई कैपेसिटी लगा रहा है, आप शायद उसकी बात करें कि नई कैपेसिटी लगने से और पेशेंट पेंट कारोबार में उतरने से असर होगा, हो सकता है, वो मार्केट शेयर खाएगा भी, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन पहले ही पेंट स्पेस में बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और ये ग्रासिम को आने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, उस चैनल को इस्तेमाल करने में और मार्केट बनाने में कुछ समय लगेगा, तब तक तो एटलीस्ट एशियन पेंट लीडर है ही, और अगर वो लीडर बनेगा तो आप उस समय लीडर के साथ जाएंगे, तो ग्रासिम अगर वो उस नए धंधे में उतरता है और वहाँ का लीडर बनेगा तो आप उस लीडर को चुन लीजिएगा, लेकिन तब तक के लिए तो एशियन पेंट लीडर है, तो आपको ये कॉल वहाँ पर ही लेनी होगी जब वो लीडर बनेगा। अभी से एंटिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो जाने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, प्री एंटिसिपेशन आपको अपने आप ही दिखने लग जाएगा, जब आप मार्केट में निकलेंगे और एशियन पेंट जाएगा ग्रासिम का पेंट यूज़ होने लग जाएगा, तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे आपसे अच्छा चैनल से कोई नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो अकॉर्डिंगली आप उस समय पर कॉल ले लीजिएगा। सर वाइज टाटा केमिकल फॉलिंग, प्रणव साहब कौन सा ऐसा टाटा का शेयर जो नहीं गिरा, सिर्फ इतना नाम बता दीजिए, पूरे ही बाजार में सारे टाटा के शेयर टूटे हैं और बढ़िया सी तेज़ी के बाद थोड़ा टूट भी गए तो क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा BSL, TTML, किसी ने भी, तो वो सब थोड़ा ईज आउट हो रहे हैं, होने दीजिए, अच्छी कंपनी है, नीचे मिल रहा है तो आराम से आप लीजिए, क्या दिक्कत है, अगर आपको केमिकल कारोबार पर भरोसा है, टाटा पर भरोसा है, कारोबार पर कंपनी का भरोसा है, तो आप ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। IRCTC ले सकते हैं क्या? नहीं रोहित जी, अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड, इसलिए नहीं कंपनी ख़राब है, नहीं नहीं, इसलिए कि भागा बहुत तेज़ है और बहुत जल्दी है, अगर वो थोड़ा नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, तो इतनी बड़ी तेज़ी में आप क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा नीचे मिल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो चीज़ ऑलरेडी इतनी चल चुकी है उस पर पैसा डालकर आप फंसने वाली बात करेंगे, तो ऑलरेडी मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, 5,000, 5,200, 4,900 रुपये पर खरीद के उन्होंने रखे हुए हैं, 2,500 पे लेते हैं समझ में आता, लेकिन 5,000 पे लेना सही नहीं है, हो सकता 10,000 भी हो जाए, गलत नहीं है, लेकिन क्यों IRCTC, क्यों नहीं है HUL, या क्यों नहीं कोई और ऐसा शेयर जो अभी गिर रहा है, तो वो ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको देगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, उससे नीचे क्या जाएगा, अच्छी कंपनी है तो, और IRCTC ऑलरेडी इतनी तेज़ी दिखा चुका है, इससे ऊपर क्या जाएगा, तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए, आपके कैपिटल को बचाइए, वो सबसे ज़रूरी है, पैसा बनता रहेगा, पैसा तो बहुत समय में बहुत शेयरों में बनेगा, लेकिन पैसा बचाइए, कैपिटल बचाइए, सबसे इम्पोर्टेंट इस समय बाजार में वो है, उसके बाद देखें क्या करना है। अच्छा चलिए, एक दो सवाल और लेते हैं। मैकडोवल का क्या कर रहेगा? सतीश साहब, इसको आप वो ऐड करिए, लोअर लेवल पर भी ऐड करिए और होल्ड भी करिए, समय दीजिए, बढ़िया कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप टाइम देंगे तो अच्छा पैसा बनाएगा, और वैसे थोड़ा चला है लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। राजकुमार मिश्रा, दोनों तरह के व्यू हैं, मार्केट ने प्रॉफिट बुक उनमें करिए जिनमें आप मीडियम टर्म के लिए घुसे हैं, और उस पैसे को इन्वेस्ट करिए उन शेयरों में जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं। मार्केट कोई एक दो दिन की चीज़ नहीं है, मार्केट सालों चलती है, मुझसे पहले से है बाजार और मेरे बाद तक रहेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो अगर इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ है तो उसमें आज जल्दी किस बात की पैसा कमाने की, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, अच्छा पैसा बनता है, उस हिसाब से उसमें रणनीति बनाइए। प्रॉफिट बुक ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, मतलब 8,000 पे भी निफ्टी ऑल टाइम हाई था, 10,000 पे भी निफ्टी ऑल टाइम हाई था, 12,000 पे भी ऑल टाइम हाई था, और आज 18,000 पे भी ऑल टाइम हाई है,
तो ये होता ही रहेगा, लेकिन बाजार धीरे धीरे चलता ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उसको इनकैश कर रहा है। और रही बात नए इन्वेस्टर्स की, वो बाजार में आ ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप घबराने की ज़रूरत है। अच्छी कंपनियां लोअर के दाम पे आप खरीदते रहिए। 1900 रुपए पे लास्ट टाइम एक्चुअल में एक ब्लॉक हुआ था, उसके बाद से वो दाम उसने आज तक नहीं दिखाया। TCS में बायबैक आ चुके हैं 1800-1700 रुपए के दाम पर, फिर आज आपके सामने इन्फोसिस में अभी 1350 में बायबैक होके गया, 1900 आ गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने बायबैक्स किए, बहुत इवेंट आए जिसमें वो गिरे और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर है। आप जान के शायद हैरान होंगे, एक समय पर डीवी स्लैब में प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था, 600 रुपए का दाम था और वो क्रैश हो गया था, 1000 रुपए से टूट के 600 रुपए आया था, और आज वही डीवी स्लैब आपके सामने 5400 रुपए पे। तो लाइक वाइज चीज़ें ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कंपनी अच्छी है तो ऊपर ही आनी है क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल और एक आखिरी सवाल, बेस्ट मिड कैप केमिकल स्टॉक टू बाय नाउ। सर बेस्ट तो किसी को नहीं पता क्या होता है, लेकिन कोशिश यही है कि लिमिटेड, अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि जो 2-3 कंपनियाँ अच्छी हैं उसमें एक टाटा केमिकल ऑब्वियस ही बात है, दूसरा अतुल बहुत अच्छी कंपनी है, सुदर्शन केमिकल बहुत अच्छी कंपनी है, जुबलेंट इनग्रेविया अच्छी कंपनी है, एक क्वार्टर का नंबर ख़राब है ठीक है, अनुमान से नीचे है, उसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छी कंपनी है, लेकिन दाम सबके अगर नीचे मिलते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिन्होंने हमें आज बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, क्योंकि आज भी सवाल बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली बात है बाजार गिर रहा है तो लोगों की समस्याएं भी ज़्यादा ही हैं। खैर लेकिन बढ़िया मार्केट में फॉल है, अच्छे शेयर आइडेंटिफाई करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आगे भी है, कहीं जा नहीं रहा है। इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा में इतना ही, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।